मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। 2016 में मैं पुणे से ट्रैवल कर रहा था, सिर्फ जना जी को मिलने का आ रहा था, क्योंकि इनका मॉड्यूल जो था कि मैं बच्चे लोगों को ट्रेन करूँगा, मैं एंटरप्रेन्योर बनाऊँगा, ट्रेडर बनाऊँगा, इन्वेस्टर बनाऊँगा या वर्कफोर्स बनाऊँगा। और मैं अपस्टॉक से था, अपस्टॉक सब लोग जानते होंगे, डिस्काउंट ब्रोकरेज है मुझे। और मैं पुणे से स्पेशली आया था इनको मिलने को कि मुझे आपको मिलना है, और दैट वॉज 16 अक्टूबर ही था। और वो जर्नी 2016 से लेके आज तक, यानी कि लगभग 6 साल, हमने काफ़ी कुछ किया। यानी कि उसके बाद आई मूव टू एंजल, आई मूव टू IIFL एंड कुंवर जी, और मैं हमेशा इनसे टैलेंट लेता हूँ। फॉर मी ही इज़ अ टैलेंट पूल, ही क्रिएट्स टैलेंट लाइक यू, ठीक है। क्योंकि जो मैं हमें लगता ही है, क्योंकि इंडस्ट्री में मैं यही बात पे बात करने वाला हूँ कि अगला 25 साल कैसा रहेगा। जैसे मोदी बोलते हैं ना कि 75 साल हो गए, तो व्हाट इज नेक्स्ट 25। मैं आपको एक सिर्फ एक डेटा बताऊंगा, जैसे सर ने आपको एक शेयर किया था कि 10 करोड़ डीमैट अकाउंट होल्डर्स हैं NSDL CDSL, जो सिर्फ 2.5% ही है पॉपुलेशन। अमेरिका में 42% प्लस लोग पार्टिसिपेट कर, तो आप गैप देखिए कितना है। इंडिया में मोर देन 110 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर है, 42 करोड़ के आसपास पैन कार्ड भी है, और जन जो सेवा बैंक वाला जो खुला था तो करीबन 60 से 65 करोड़ के आसपास हमारे पास बैंक अकाउंट भी है। तो स्कोप इतना बड़ा खुला हुआ है, यानी कि आपको करियर भी है, ट्रेडिंग के लिए लोग भी हैं, और सब काम है। मैं तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू बोलूँगा, अभी हमारा जो GDP है और जो हम कंट्रीब्यूट करते हैं पूरी वर्ल्ड को, ग्लोब को, इट इज हार्डली 3% भी नहीं है, 3% भी नहीं है ना। हमारा GDP इतना बड़ा होने के बाद हम भी बोलते हैं ना, वी आर फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड नाउ। लेकिन अगले 25 साल में, यानी 25 साल भी नहीं, बाय 2032 से जो इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि वी विल कॉन्ट्रीब्यूट 10% ऑफ द एंटायर ग्लोब GDP। 10% बहुत बड़ा होता है, यानी उसमें उसका मायना ये होता है कि जैसे सर ने बोला था ना कि एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होता है, वैसे एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी होता है, जो डेट में पैसा देते हैं, इक्विटी में पैसा देते हैं, आपके स्टार्टअप्स में वेंचर कैपिटलिस्ट आते हैं, तो ये इक्विटी हुआ, वो स्कोप बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव भी रहेगा। यानी आप MBA आए, जैसे हम कॉलेज में जाते हैं, MBA से इंटर्न्स उठाते हैं या MBA से प्लेसमेंट उठाते हैं, तो हम नॉर्मली देखते हैं कि उसके अंदर क्या स्किल्स हैं, क्या नॉलेज है और क्या एटीट्यूड है, ये तीन चीज़ ही देखते हैं। अब स्किल तो कॉलेज वाले दे देते हैं कि भाई सर ये है, आप सर भी दे देते हैं, लेकिन जो एटीट्यूड होता है वो आपके अंदर होना चाहिए। और ये सर ने बोला कि पहले 2-3 महीने में आपको बुक देता हूँ पढ़ने के लिए, तो आपका थोड़ा एटीट्यूड पे मेहनत करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब ये आपका एटीट्यूड टूवर्ड्स मार्केट होता है, टूवर्ड्स ग्रोथ होता है, तो हम पैसे बना सकते हैं। अभी मैं आपको बोलता हूँ कि जैसे कि अभी हमारे पास 2 बच्चे हैं यहाँ पे, प्रणय और गौरव, ये आपके ही साथ से पढ़े हुए हैं, प्रणय और गौरव, ये अभी कुंवर जी में हमारे रिसर्च पे एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिटिक्स बना रहे हैं, जो हमारा एक डेल्टा डेस्क चलेगा जिसमें करीबन 100 लोग काम करेंगे, एवरेज एक बंदे के पास 20 से 25 लाख रुपया मार्जिन होगा। तो अभी इंडस्ट्री चेंज हो रही है, अभी जैसे हमको पैसे कमाना है तो हम क्लाइंट का पैसा क्यों मैनेज करें, जब हमारे पास पैसे है तो हम प्रो बुक होती है हमारे पास, हम बोलेंगे भाई एक स्ट्रैटेजी बनाओ, डेल्टा पे काम करो और ट्रेडिंग करो, इवन इफ वी गेट 5% अ मंथ वी आर हैप्पी। तो ये दो चैंपियन है, आप लोग में से निकले हुए हैं, यहीं से, यही इंस्टीट्यूट है NIIFM जहां से आए हैं, और इनको आप फ्रेश थे जब इन्होंने जस्ट पास आउट किया तो लगभग 4 लाख का पैकेज में उठाए, ऑल्दो ये नेगोशिएट करके हमको 5 लाख चाहिए, लेकिन कोरोना था तो हमने नेगोशिएट कर लिया। तो सर ना करोना, तो हमारा एक टैगलाइन था, ट्रेड करो ना, घर बैठे क्या करोगे आप, ट्रेड करो ना,
और वैसे ही अकाउंट बढ़े, लोग घर बैठ के कुछ तो करना था तो इंटरनेट अवेलेबल था, इजी, मोदी साहब ने सस्ता कर दिया है, मोबाइल सबके हाथ में है, व्हाट्सएप तो करते ही है, अब उधर एक छोटा सा ऐप और डाल दिया, जो भी आप बोलो, शेर खान बोलो, अपस्टॉक बोलो, जीरोधा बोलो, उनकी ब्रांडिंग एंजल वन बोलो, सबकी ब्रांडिंग चल रही थी, आपने अकाउंट खोल लिया और ट्रेड करो ना। लेकिन जैसे जा जी ने भी बोला कि आप जब खुद करते हो तो गलती जरूर करोगे, ये बाजार का दस्तूर है, रूल है, क्योंकि बाजार में दो लोग बैठे हैं, एक डोनर और एक ट्रेडर। डोनर उसको बोलते हैं जो पैसा देता है, जो डोनेट करता है, ट्रेडर उसको बोलते हैं जो पैसा बनाता है। तो ट्रेडर कौन होता है, जो एक उधर स्किल, एटीट्यूड एंड नॉलेज, अगर आप यहां से लेते हैं या कहीं से भी लेते हैं तो आप उस श्रेणी में जाते हो, उस कैटेगरी में जाते हो और आप ट्रेडर बनते हो। और ये पूरा माइंड गेम है, यानी आज आपने जो स्ट्रैटेजी बनाया है ना तो सामने वाला भी परख लेगा, जो सामने ट्रेडर है वो आपको वहीं काटेगा। तो आपको हमेशा लाइव होना पड़ता है कि मैं जब मैं ट्रेडिंग करता हूं तो मैं क्या स्ट्रैटेजी बनाऊं। पहले क्वांट आया, फिर एल्गो आए, फिर बोलते हैं ना सब मशीन ट्रेड्स हैं और फ्यूचर में कुछ और भी आएंगे, बट फंडामेंटल रिमेन्स द सेम। इंडियन मार्केट का फंडामेंटल भी रिमेन द सेम, वर्ल्ड का भी है, हम लोग जवान हैं, बाकी बुढ़े हो गए हैं, तो वी कैन रन फास्ट। और सर ने बोला कि जब कोरिया में आपने देखा था वो हम सब देख सकते हैं, शायद मैं बुढ़ा हो जाऊंगा बट मेरा बेटा देख लेगा और सब आप लोग भी देख पाओगे। सी बाय 2032 हमारा जो जीडीपी अगर यहाँ से जिस सिर्फ 6.5% भी ग्रो करता है विल बी नेक्स्ट लेवल पे। और मोदी साहब का एक स्टेटमेंट है $5 trillion। सी लीडरशिप कोई एक स्टेटमेंट बोलता है ना तो मार्केट उसको फॉलो करता है, कोई भी स्टेटमेंट होगा। अगर बोलते स्वच्छ भारत तो स्वच्छ भारत यानी सब कुछ चल पड़ा। कल बोले नहीं लॉजिस्टिक करना है, चीता आ गया है, तो उसका भी कुछ मतलब होता है, जिसने पकड़ लिया वो पैसे बना लिया और जो नहीं बनाया वो दूर रह गया। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि वी आर रेडी, हम तो तैयार बैठे हुए हैं कि आप जैसे कुछ लोग आए हमारे साथ काम करें, वी आर रेडी टू गिव यू जॉब। आप कुछ 2-3 साल काम करो, बाकी खुद का करो। मैं इनको भी बोलता हूँ कि आप 1-2 साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करो, डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको कॉर्पोरेट सिखा सकता है। एक बार आपने सीख लिया बाद में आपकी दुकान चालू करो। और यही एक फील्ड है जहाँ पे कैपिटल छोटा भी होगा तो भी आप बिजनेस कर सकते, आप इवन 1 लाख से भी बिजनेस चालू कर सकते हैं। मैं एक कोट करूंगा, मेरे क्लाइंट है, शायद मैंने इनको बताया था, बात भी कराया था, उनका नाम है शंभू भाई पटेल। मैं क्यों लेता हूँ, क्योंकि ही इज 72 years old यंग मैन, ही इज गुजरात के अहमदाबाद और गुजरात के, ही इज प्रिंटिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है वो, शंभू भाई पटेल। आपको चाहिए तो नंबर पर लिख दूंगा। उनको मैं मिला था 2015 में और उनको मैंने शेर खान का इग्नाइट करके एक प्रोग्राम था, हमने बताया था, हम बेचते थे वो प्रोग्राम में कुछ नहीं है, सिर्फ चार का बेसिक्स है और हम 50,000 रुपये लेते थे। आप NIFM में जो सीखते हैं ना वो बहुत कुछ बहुत 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 डीपर है। तो हम तो मैंने जब उनके सिलेबस देखा NIFM को बोला सर आप तो बहुत पढ़ाते हो, ऐसे ही बच्चे नहीं है। नहीं पहले मैं शंभू भाई की बात कर लो, चेक करने के लिए ट्रिक कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा तो शंभू भाई को मैं मिला, मैंने उनको बोला आप इग्नाइट ले लो, आप चार्ट सीख लो और खुद की ट्रेड मारो, क्योंकि हम लोग हमेशा बोलते क्लाइंट को कि सर सोच के समझ के इन्वेस्ट करो और ट्रेड करो, पैसा आपका है, प्रॉफिट भी आपका है, लॉस भी आपका है, बाद में ब्रोकर को क्लेम मत कर। हम भी ह्यूमन बींग हैं, हम भी रिसर्च बनाएंगे, हम भी अपने मार्केट को समझते हैं, क्योंकि मैं जो सोच रहा हूँ, मैं मार्केट समझ रहा हूँ, मैं प्रेडिक्ट करूँगा, लेकिन वहां पे अमेरिका में मॉर्गेज के लिए बैठा है वो भी ट्रेडर बैठा हुआ है, वो भी अपना ट्रेड ले रहा है, वो उसके दिमाग में क्या चल रहा है मैं थोड़ी पढ़ सकता हूँ। तो शतरंज खेलो यानी चेस खेलो, तो वो आजकल डेटा दिख जाते हैं, आप जब ट्रेड स्क्रीन में बैठोगे ना तो आप चार्ट में समझते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो शंभू भाई ने वो बिजनेस चालू किया, आज वो बोलते हैं कैलाश भाई आप तो 10 साल पहले क्यों नहीं मिले। बोले क्यों सर? बोले यार मैं तो 5 करोड़ की मशीन लाया, जितना नहीं कमाता हूँ उससे तो 5 लाख से ज्यादा कमाता हूँ, पर सरदर्द वो कॉर्पोरेशन वाला आएंगे बोले ये क्या करता है, लेबर और कमिश्नर है क्या करता है, ये चुपचाप टर्मिनल चालू किया, एनी टाइम एनी वेयर इन द वर्ल्ड आई कैन ट्रेड।
और वो हर साल पैसे कमाता है और यूएस में घूमने जाता है। मैं सिर्फ उस 72 साल का यंग आदमी बोलता हूँ, यानी मोदी साहब की उम्र 72 साल ही है, कुछ कोइंसिडेंस है। तो बोले मतलब यही है, अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज हो, स्किल और एटीट्यूड भी सही हो, तो आप नेक्स्ट लेवल में जा सकते हो। वी आर रेडी। हमारे जैसे, मैं तो छोटी कंपनी में काम करता हूँ, लेकिन इंडिया में ऑलमोस्ट 35% जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है ना, वो इसी सेक्टर में होता है, फाइनेंस या फाइनेंशियल सर्विस। क्योंकि हम लोग जैसा नहीं बोला, इंडिया में बैंकिंग ही है, हम लोग उधर फकीर वाले कंट्री में थे पहले, कि कुछ लेना है तो बैंक में जाना। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब आई एम रेडी। मैं SBI को क्यों पैसा दूं, मैं इस स्टार्टअप को पैसा दूंगा ना, ये भी भाई साहब SBI से लेने वाले हैं ना पैसा, तो माइट एज़ वेल मैं बोले बस SBI को साइन करो, आप पैसे ले लो, आप मुझको दे दो प्रॉफिट शेयर, दैट इज कैपिटल मार्केट। और ये लोग समझ रहे हैं और एक कल्चर आ रहा है, तो हम लोग को थोड़ा अपना माइंड सेट करना पड़ेगा। मैं ये सीनियर सर है, आप पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं, आपको लगेगा कि मेरा बच्चा स्टॉक मार्केट में जा रहा है, चेट कर रहा है, तो गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं है, वो लिखा नहीं क्राइम। द बेस्ट थिंग इज इट इज द राइट साइड स्टॉक मार्केट। आप अगर टाइम मिले ना घर पे मेरे बोलने के बाद, गूगल करना मॉर्गन स्टैनली का बैलेंस शीट खोलना लेटेस्ट, वो आपको गूगल में मिल जाएगा। उसका 60% इनकम ट्रेडिंग से आता है, 40% इनकम एडवाइजरी से आता है, यानी जिसको एडवाइज करते हैं ना, PMS वगैरह होता है, उनका खुद का एक्सचेंज है, यानी इंडेक्स भी चलता वर्ल्ड वाइड मॉर्गन स्टैनली का। तो वो जब कंपनी है उसका 60% इनकम वो ट्रेडिंग करके कमाता है, तो हम आप भी कमा सकते हैं। ऑप्शन करो, फ्यूचर करो, कैश में करो या फ्यूचर में करो, फ्यूचर इज कैबिन में ही, सर ने बाहर ही लिख दिया, तो यही मैंने कुछ। तो ठीक है, बात करेंगे तो बहुत बात करेंगे, लेकिन हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है। तो मैं आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम वेरी हैप्पी कि मैं जना साहब से जुड़ा और हमेशा मुझे अच्छे लोग मिले यहाँ से, और मैं घंटों आके बात करता था, कभी कुछ बात भी करना हो तो मैं आके मिलता था। तो आप लोग अगर जुड़े हो तो सही जगह पे हो, और मैं कह सकता आपके आसपास में भी लोग भी हो तो उनको भी आप मोटिवेट करो, कि जैसे वो मिसेस शर्मा ने एक बात बोला था कि मुझे, मैं अपने घर में बैठ के कुछ काम करना चाहती हूँ, इससे अच्छा बिजनेस क्या है। तो मुझे ना, हम लोग CNBC देखते हैं, हम लोग कहते हैं उसको कार्टून नेटवर्क बकवास चल रहा, तो उससे अच्छा है कि आप अपना स्टडी करो, अपने नॉलेज गेन करो, अपना गलत होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्ट्रैटेजी वैसी होती है एक तो सही हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। बट आई एम जना सर, मैं आपका बोला ऑलवेज आई एम ग्रेटफुल टू यू कि यू ऑलवेज गिव अस गुड पीपल लाइक दिस, एंड मैं और लेता रहूँगा आपसे, इसलिए मिलता रहता हूँ। थैंक्स।